नमस्कार, मेरा नाम है सुरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज चैनल। आज हमारे साथ वो क्रांतिकारी योद्धा हैं सूरज जी। सूरज जी हमेशा बहुजन समाज की आवाज़ों को उठाते रहे हैं और बहुजन जाति से हैं। सूरज जी आपका हमारे चैनल में स्वागत है। पहले तो जी बहुत शुक्रिया जय भीम। सूरज जी, अभी जो बहुजन समाज के लोग बोले जाते हैं एससी एसटी ओबीसी या उसमें बहुत सारे लोग अब आईएएस आईपीएस डॉक्टर बनने लगे हैं, तो क्या आरक्षण अब खत्म हो जाना चाहिए या नहीं होना चाहिए वो बताएं। सबसे पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा कि हमारी संख्या कितनी है, एस सी एस टी ओ बी सी माइनॉरिटी कन्वर्टेड माइनॉरिटी एक्सप्लोटेड जो पूरी कम्युनिटी है उसकी संख्या करीब इस मुल्क में 100 करोड़ की होती है। जब हम 100 करोड़ की जमात की बात कर रहे हैं, उनके हक अधिकार की बात कर रहे हैं, यानी कि 90% लोगों के हक अधिकार की बात कर रहे हैं, तो हमें ये समझना पड़ेगा उनमें आई ए एस और पी सी एस लोगों की संख्या कितनी है। पहले तो पूरा आप देख लीजिए कि आई ए एस पी सी एस सी एस में एक साल में बनते कितने हैं और उसमें से हमारे लोग कितना बनते हैं। और दूसरा, अगर हमारे लोग आई ए एस पी सी एस बनते हैं और हमारी आवाज़ को नहीं उठाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हम मतलब पूरी आरक्षण को ही ख़त्म कर दें। अगर बेबी को गंदगी लगी हुई है तो क्या बेबी को नाले में थोड़ी फेंक देंगे? रिजर्वेशन एक अलग चीज़ है। रिजर्वेशन जो है हमारे, हम तो कहते हैं भारत में रिजर्वेशन इंसान को इंसान की नज़र से देखने की एक पैमाना है जिसके तहत हमारे लोग संगठित होते हैं और वो मजबूत होते हैं पढ़ाई लिखाई के दम पर। दूसरा चीज़ कि अगर अन्य मुल्क, दुनिया के अन्य मुल्कों में देखेंगे तो रिजर्वेशन का मतलब यही माना गया है आपको अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा। हमारा संविधान हमको इक्वालिटी ऑफ स्टेटस इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी देता है, लेकिन रिजर्वेशन की अगर हटा दिया जाएगा, रिजर्वेशन को हटा दिया जाएगा, तो हम सोच भी नहीं सकते हैं क्या इस मुल्क में इक्वालिटी ऑफ स्टेटस दिया जाएगा, क्या इस मुल्क में इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। जैसे रिजर्वेशन की जरूरत क्यों होती है, अगर आप बाबा साहब को ही देख लीजिए, इस मुल्क में तमाम लोग हमारे योद्धा रहे हैं, पढ़ाए लिखे लोग रहे हैं, लेकिन उनको मौका नहीं मिलता था। बाबा साहब को अवसर मिला, उन्होंने क्या कुछ कर दिया। साहब कांसीराम ने लड़कर के अवसर लिया, क्या कुछ मिला। बहन मायावती का संघर्ष रहा, हमारी कैसे जीत हुई। तो मुझे लगता है कि रिजर्वेशन जो है वो मानव को मानव के रूप में बनाने और मानव को मानवीय नज़र से देखने का एक पैमाना है भारत में। तो रिजर्वेशन हमारा हक है, हमारा अधिकार है, हमारे अस्तित्व को मजबूत करने और हमारे वजूद को स्थापित करने का एक पैमाना है। रिजर्वेशन के हम समर्थक हैं और मेरा अपना मानना है कि एक माँ के अगर 4 बेटे होते हैं तो ज़मीन का हिस्सा 4 हिस्से में बढ़ता है। उसी तरह से अगर आपने ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनाया था तो ठीक उसी तरह से जब मुल्क आज़ाद हुआ, ठीक है आपने 6000 साल की गुलामी किया वो बात की चीज़ थी, लेकिन जब मुल्क आज़ाद हुआ, जिसे आप स्वतंत्रता दिवस कहते हैं, मेरे नज़र में स्वतंत्रता दिवस नहीं है, ट्रांसफर ऑफ पावर है, बट इवन देन अगर आप उसे स्वतंत्रता दिवस कहते हैं, आबादी के हिसाब से ज़मीन का बंटवारा क्यों नहीं हुआ? जब आबादी के हिसाब से ज़मीन का बंटवारा नहीं होगा तो अफर्मेटिव एक्शन की जरूरत तो पड़ेगी। तो रिजर्वेशन इज अनदर फॉर्म ऑफ अफर्मेटिव एक्शन, रिजर्वेशन इज अनदर फॉर्म ऑफ आवर रिप्रेजेंटेशन, वी आर फाइटिंग फॉर आवर रिप्रेजेंटेशन। आपसे मेरे से सूरज जी, जिन्होंने हमें बताया कि बहुजन समाज के अंदर आरक्षण क्यों जरूरी, क्योंकि जब तक बराबरी की हिस्सेदारी नहीं मिलेगी तब तक आरक्षण बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी भी ऐसे बहुत सारे गाँव क्षेत्र हैं जिनके अंदर बहुजन समाज ही नहीं, दलित आदिवासी और सभी लोगों को अभी तक पानी, साथ में उठने बैठना खाना पीना सब चीज़ें नहीं मिल पाती हैं। आपने हमारे चैनल से बात करी, इसके लिए धन्यवाद सूरज जी। शुक्रिया। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।